Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग साला बोले मुझे wanted. तुमसे मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे want. राधे 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 भा Hi, मैं हूँ साजिद वाजिद and subscribe to सिद्धार्थ कनन channel now. फिर से hit, फिर से number one trending song, फिर से अंगार. Ladies and gentlemen, साजिद of साजिद वाजिद, फिर से अंगार मचाया आपने सर, फिर से आपने तोड़फोड़ मचाई. इसके पीछे कारण क्या है कि बार बार आप hit machine बन चुके हैं. थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ कन्नन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं कि मेरा फेवरेट, मेरा चहिता सिद्धार्थ कन्नन, उसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने चश्मा उतार दिया बिकॉज आप चश्मे में बहुत अच्छे लग रहे. आप मत उतारना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो यार. सिद्धार्थ, बस नसीब से हो गया, ये ऊपर वाले के करम था जी, हो गया. वैसे काम तो ईमानदारी से किया था एंड पूरी जितनी भी शिद्दत है, जितनी भी जान लड़ानी थी लड़ाई, लिखा भी है गाने को. और रियलाइज नहीं हुआ था कि ये इतना इम्पैक्ट भरा बन सकता है. बट देन अगर वो उस तरीके से हो गया है तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले का करम है और आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं जिन लोगों ने इसको सराहा लिया. काफी यार दोस्त लोग फोन करके मुबारकबादी दे रहे हैं एंड सबसे बड़ी हाईलाइट सब तो ये बोल रहे हैं कि क्या गाया है. और मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है. मतलब क्या गाया है यार, कुछ भी नहीं गाया है मैंने तो. लोग ऐसे सब स्टाइल मारते हैं, ऐसी ऐसी मुर्खियां मारते हैं. IPML में तो देख रहा है ना कैसे कैसे मारते हैं. मेरी आवाज टाइट होती है, मेरा गाना हिट हो गया यार. निकल पड़ी यार. पर ये मुझे बताओ, आप हमेशा खुद कहते हो कि आप सिंगर नहीं हो, आप खुद का मजाक उड़ाते हो एज अ सिंगर, यू नो व्हाट आई मीन. बट डीप डाउन आपको क्यों लगता है कि आपके सिंगिंग गाने भी निकल पड़ते हैं? देखो, काम तो हम जानते ही हैं और हमने कभी कोशिश नहीं करी. वैसे मैंने गाए बहुत सारे गाने गाए मगर कभी अपना नाम नहीं दिया, कभी किसी के सामने ओपन नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू में मैंने बोला नहीं कि हाँ यहाँ मैंने गाया, ये मैंने किया है, क्या आई टू जस्ट इनकॉर्पोरेट जस्ट के किसी तरीके से इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके कर दिया. बट हाँ, अब गाना पड़ेगा ना यार, अब तो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. तो कोशिश कर रहा हूँ और ये सब चालू हुआ सिद्धार्थ कन्नन, आप यकीन माना ये सब चालू हुआ IPML में. जिस वक्त सलमान भाई ने मजाक उड़ाई थी, हाँ वो बिलीव में वो दुनिया को लगा होगा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को जम्प स्टार्ट दे दिया था. वो मेरे लिए जम्प स्टार्ट था जब उन्होंने कहा था ना कि यही हार जाएगा, यही सबसे पहले लिख लेगा और हंसने लगे थे. तो I was thinking and I used to tell you that. अगर देखा जाए, जब सलमान खान आपकी खिंचाई कर रहे थे, आप लोग भाई जैसे हो, ब्रदर्स जैसे हो, भाई आपस में खिंचाई करते, डांटते, सब चीज करते, पर लोगों को वो खिंचाई नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था माने कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो आपको क्या कहना है उस पर? यार आई टेल यू वन थिंग, मैं सलमान भाई जब भी मेरी खिंचाई या कुछ करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतना वक्त बिता दिया है ना कि वो खिंचाई विचाई करे ना तो मेरे को कोई खिंचाई लगती नहीं है, दुनिया को लगती है. दुनिया कितनी बार जब वो खिंचाई भी करते हैं, नॉर्मली भी करते हैं, तो दुनिया बाहर से लोग बाग आके मेरे को बोलते हैं कि अरे यार भाई को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया. मैं बोला मेरा भाई है यार. और डेफिनेटली यार, जब आप किसी को अपना समझते हो और दिल से समझते हो तो फिर यार ये सब चीज सोचना नहीं चाहिए. अगर सिद्धार्थ तुम्हारा भी अगर बड़ा भाई है, अगर वो अपने दो चार दोस्तों के अंदर तुम्हारी मजाक कर रहा है या मजे ले रहा है तुमसे, तो तुमको थोड़ी बुरा मानना चाहिए. एंड मेरे ख्याल से उनकी मजाक के पीछे भी मेरी भलाई छुपी है. अगर मैं उसको पॉजिटिव लूँ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं उसको नेगेटिव लूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ऊपर जब सलमान भाई मजाक उड़ाते तो वो लोग चेहरा बुरा यूं कर लेते हैं. मेरे से ये सब नहीं होता. अपना बताओ, इतने साल सलमान से काम करने के बावजूद कहीं आपको इनसिक्योरिटी होती है क्या भाईजान, जब वो हिमेश के साथ काम करते या कोई और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते, क्योंकि वो आपके भाई हैं और प्रोफेशनली भी आपका तालमेल है? नहीं, इनसिक्योरिटी तो नहीं होती है. जैसे देखिए, उस बंदे का रिश्ता अपने 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 लोगों के साथ सबके साथ है और मैं कभी ये सब चीजों से इनसिक्योर नहीं होता हूँ. हाँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड मेरा है, मैं इस ग्राउंड में बहुत स्ट्रांग हूँ, तो ये ग्राउंड में मेरे को बैटिंग करने का मौका दो, मुझे दो ज्यादा से ज्यादा बॉलें. अब वहाँ बॉलें कम मिलती हैं तो फिर जब एंड में आप आते हो और आपके पास सिर्फ, अभी जैसे राधे के अंदर दो ही गाने मिले, अब दोनों गानों के अंदर अगर स्टेडियम के बाहर बॉल निकाल दी जाए
तो सामने वाले को लगता है कि नहीं, और वैसे भी नो आई डोंट फील एनीथिंग यार, मैं ये सब चीजों में दिमाग नहीं लगाता। भाईजान ये बताइए, ये गाना आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके रूह में वाजिद भाई हैं जी जी पर आपने ये गाना अपने आप बनाया है विदाउट वाजिद भाई बीइंग देयर प्रेजेंट फिजिकली, ओके? बहुत हर्ट हुआ, ट्रॉमेटिक था बनाते वक्त ये गाना? नहीं, गुस्सा बहुत था। आई वॉज वेरी एंग्री, आई वॉज एंग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, मतलब उस वक्त मैं क्या बताऊं, वाजिद को लेके वी वर द एंटायर फैमिली वाज फाइटिंग एंड आई वाज फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन। मैं फाइटिंग उस लाइन पे कर रहा था कि मुझे भी कुछ भी हो सकता था और शायद मैं भी चला जा सकता था, यू नो, आई वाज फाइटिंग ऑन दैट एरिया वेयर आई कुड गेट डाउन एनी टाइम। And when I went till that area and I fought hard, and then I realized that for what I am fighting, that thing is no more. Then I felt very bad, and I didn't feel bad. I was very angry, and I was very frustrated. I was very furious, and you know, okay, nahi, because somewhere down the line in my heart, na, I always believed ke, because Wajid itna acha insaan hai, itna badhiya insaan hai, and somewhere down the line, I always believed in Allah ke. ये ठीक हो जाएगा, ठीक होके आ जाएगा। आई टू तू यकीन नहीं मानेगा, वो जब वो बीमारी में भी मेरे से कुछ बात करता था, इमोशनल बात करता था, तो मैं उसको स्नैप कर देता था। मैं बोला वाजिद ये सब बात मत कर, बोला ये फेज है पगले, मैं बोला याद है अपन, ये सब चीज चली जाएगी, ये सब तू भूल जाएगा, ये सब चीज भी, और मैं बोला ये सब निकल जाएगा। आई टू ऑलवेज कीप पॉजिटिव एंड आई टू कीप माई सेल्फ सो पॉजिटिव ना, कि मैंने कभी अपने ना, मतलब नॉट इवन -1% आई थॉट के विल बी टेकन अवे। And then I got very angry, and I don't know whom to show my anger. When I'll go up, I will show my anger, whoever I want to show. But yeah, अच्छा तू मेरे को emotional कर देगा यार, तू मेरे से ये सब बातें मत कर यार, तू वाजिद के बारे में मेरे से बात मत कर, because I don't know, it's been nearly 1 year. अच्छा let's change the topic यार. Siddharth, I just want to, we brothers now, we wanted to, when we saw those people, shit, isne hila diya mere ko yaar, napkin dena, I've become weak, yeah. I have to become very strong, bro, I have to become very strong. Actually, hamara zindagi bhar tak ka yehi raha, humne jab bhi dekha, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, मगर अपने एक म्यूजिक डायरेक्टर जो दो भाई थे उनकी जोड़ी टूट गई, यू नो, तू समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब वो लोग दोनों भाइयों की जोड़ी टूट गई, एंड देन आई केम टू नो के ये रीजन था, इस वजह से, यू नो, हम लोग को ऐसा लगता था कि कोई रीजन हो ही नहीं सकता है कि जो सके दो भाइयों के बीच में आ जाए, चाहे फिर वो पैसा हो या शोहरत हो या क्रेडिट हो, बुलशिट टू एवरीथिंग यार, नथिंग कैन बी इम्पोर्टेंट देन योर मदर्स, योर ओन ब्लड यार। एंड हम लोगों ने ये सुसाइड किया था, और हम लोग, तू यकीन नहीं मानेगा, हम लोग का है ना कभी किसी बाहर वाले से झगड़ा नहीं होता था, हम लोग अंदर ही झगड़ा करते थे। तूने देखा होगा हम दोनों भाइयों में झगड़े चालू हो जाते थे। तो सब लोग को ऐसे लगता था, अरे यार ये दोनों भाई झगड़ा करते हैं, ये करते हैं वो, हम लोग इसलिए करते थे ताकि हमसे कोई झगड़ा ना करे। झगड़ा हमारे बीच में ही होता है, और वो बहुत नेचुरल चीज है यार। अल्लाह ना करे कभी मैंने वाजिद को गाली नहीं दी, या वाजिद ने, मैंने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, या कभी वाजिद ने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा, या हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी वाजिद को कभी वो नहीं किया। हाँ एक बार वो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा था, तो मैंने गाड़ी रोकी, और रोक के मैंने उसको बोला चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, तो मैंने एक बार ऐसे करा, और वो गुस्से में ना वो गाड़ी से बाहर निकल गया। तू यकीन नहीं मानेगा, उसने 8-10 साल तक मेरे को उस बात का ताना देता था वो, कि इन्होंने तो मेरे को गाड़ी से निकाल दिया था, गाड़ी से निकाल दिया था। और वो मैंने गुस्से में है ना, कि इसके साथ ज्यादा झगड़ा ना हो, बिकॉज आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मेरे को गुस्सा आ रहा था, और वो मुझे मेरी खिंचाई कर रहा था, वो मेरे मजे ले रहा था, तो वो मेरा छोटा भाई है, तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, तो मैंने बोला कि इसको मैं कुछ बोल बोल दूंगा, या मेरा हाथ में टूट जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको बोलता चल बाहर निकल। होता है ना, बोलता ना अपन लोग बचपन में खेलते नहीं क्या, कि बैट बॉल खेल रहा था तो तेरे को आउट कर दे थोड़ा, नहीं 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 मैं एक और बार बैटिंग करूंगा, तो बोला अरे नहीं ऐसे नहीं होता, तो बोले अच्छा फिर मेरा बॉल और बैट दे दो। तब गाड़ी मेरी थी, तो मैंने बोला चल बाहर निकल। तो उसको वो बाहर निकलवाया था ना मेरे, एक बार उसका, उसको इतना बुरा लगा ना,
तो वो साला मेरे को जब भी देखो ना इस बात के ऊपर वो मेरे को टॉन्ट करता था, और यकीन नहीं मानेगा वो मजाक में टॉन्ट करता था मगर मेरे दिल में जाके लगती थी कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया वाजिद के साथ। तो मैं उसको कितनी बार मैंने उसको बोला अच्छा मैं माफी मांगता हूँ तेरे से, मैं आज के बाद कभी तेरे को उतारूंगा नहीं, मगर तू घड़ी घड़ी मत बोला कर। बट ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। उसको पता चला था हम तीन भाई हैं, साजिद वाजिद जावेद। मैंने कभी मेरे भाइयों के ऊपर हाथ उठाया ये वो सब नहीं। हाँ यस ऑफकोर्स मैं गुस्सा हो जाता था मगर मैंने कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका नहीं आया, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो मेरे को मालूम है ये लोग क्या चीज है, ये लोग ये वाजिद और जावेद कैसे हैं मेरे भाई। दे आर वेरी लविंग टू मी एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड सिद्धार्थ आई विल टेल यू वन थिंग, टुडेज वर्ल्ड यू नो ऐसे भाई मतलब मिलना तो बहुत दूर की बात, दिखते भी नहीं है जैसे मेरे भाई हैं। एंड टचवुड यू नो मैं बस मालिक से दुआ करता हूँ कि नजर ना लगे। अभी जावेद है, जावेद काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम टू गेट समवेयर। बस यही है।